बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। नाजरीन, आज बहुत दिनों बाद जो है फैसल हिल्स की साइट के ऊपर अपने तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम व्यूवर्स को, क्लाइंट्स को जो मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरी वीडियो वॉच करते हैं और मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं, उन अहबाब के लिए आज एक बार फिर फैसल हिल्स का जो है वो साइट विजिट के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं कि फैसल हिल्स की ब्लॉक ए की क्या पोजीशन है, ब्लॉक बी की क्या पोजीशन है और कमर्शियल एरिया की जो है वो क्या पोजीशन है। ताकि बहुत दिन हो गए कि चौधरी साहब के बयानात भी आप तमाम अहबाब ने सुने और इसके अलावा चौधरी साहब के अलावा भी जितनी भी अपडेट्स होती हैं रिगार्डिंग फैसल हिल्स बैलेटिंग के हवाले से या जो भी अपडेट्स हों रिगार्डिंग फैसल हिल्स, आपको अंदाजा है कि इस चैनल के जरिए तमाम इन्वेस्टर्स को, तमाम अहबाब को मिलती रहती है। अगर आप ZM इंटरनेशनल के क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टर हैं, मेंबर हैं, तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हों वो बैलेटिंग की हों या चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तरफ से हों या जितनी भी चीजें हों रिगार्डिंग फैसल हिल्स या अदर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के हवाले से, रियल स्टेट के हवाले से, इस्लामाबाद रावलपिंडी जोन के अंदर आप तमाम अहबाब को इस चैनल के ऊपर बर वक्त जो है वो अपडेट मिलती रहे। कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिएगा, बड़ी जबरदस्त वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आपने अगर विजिट नहीं किया एक महीने से या डेढ़ महीने से या कुछ अरसे से तो आपको इस चैनल के जरिए जो है वो विजिट हो जाए। मेरे साथ रहिए विजिट के लिए आगे गेट के ऊपर और आगे सारा विजिट करते हैं। जी नाजरीन, मेन जीटी रोड के ऊपर आपको पता है कि ये सीधा रोड जो है आपका चला जाता है आगे उसकी तरफ टेक्सला की तरफ और पिशावर की तरफ। इस वक्त जनाब हम फैसल हिल्स की इंटरेस्ट के ऊपर, माशाल्लाह खूबसूरत बोर्ड लास्ट टाइम भी मैंने आप तमाम अहबाब को दिखाया था, ये जी फैसल हिल्स की साइड के ऊपर हम लोग पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि कितनी डेवलपमेंट्स और हुई हैं, कितनी डेवलपमेंट्स होना बाकी हैं या क्या अपडेट्स हैं। माशाल्लाह गेट से एंट्री के ऊपर ही जो है वो मशीनें जो हैं वो चल रही हैं और वर्कआउट की पोजीशन जो है वो हो रही है, काम जो है यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देखें अपनी आंखों से, ठीक है जी। और इसके ऊपर ये सारा आपको पता है कमर्शियल एरिया है और इसका मेन अनायतुल्ला खान ये मेन एवेन्यू है, मेन बुलेवार्ड है इसका, जिसके ऊपर ये आपके जितना भी मेरी लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सारा कमर्शियल एरिया है। और इसके आगे जितने भी ये ये इसका पार्क है माशाल्लाह, ये आप देखें कि डेवलपमेंट की अपडेट्स देखते हैं कि क्या कुछ नया भी चौधरी साहब ने किया है या अभी सिर्फ बातें और कहानियां ही हैं। ये जी एक और कमर्शियल फैसल मिशन जो है इनका मेन एक हेड ऑफिस है जहाँ के ऊपर आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, यानी आपने अगर कोई पोजेशन लेटर लेना है या कुछ चीज़ें लेनी है तो ये जनाब उसका मेन अल्लाह वाला चौक आ गया। और आगे की तरफ चलते हैं, देखें जी यहाँ पर माशाल्लाह से काफ़ी सारी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है, यहाँ पे बैंक्स भी आ चुके हुए हैं और वर्कआउट जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। ये सारा इसका कमर्शियल एरिया है ये आप देखें। और इसके ऊपर कोशिश होगी जितनी भी मैं आपको ब्लॉक ए या ब्लॉक बी या ब्लॉक सी तक जितनी भी मेरी कोशिश होगी कि इसके लेफ्ट एंड राइट जितनी भी डेवलपमेंट है और मेन जो नए कमर्शियल्स स्टार्ट हुए हैं यहाँ पर और जितनी भी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं आप तमाम अहबाब को जो है वो दिखाऊं ताकि आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी शहर के अंदर भी बैठे हैं तो आपको फैसल हिल्स हो या अदर ऑन गोइंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम और मैं काम कर रहा हूं आपको बर वक्त इस चैनल के ज़रिए जो है वो मिलती रहे। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये आपको पता है लेफ्ट एंड राइट दोनों जो है ये विलाज बने हुए हैं, ऑफिस हैं रियल्टर्स के और ये जितनी भी यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी है। आगे चलते हैं, इसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आएगा, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर भी नए ऑफिसेज का इफ्तिताह आज से कुछ अरसा कबल हुआ था और उसके बाद जो है आपका ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है और फिर ब्लॉक जो है वो सी है और आगे जो है वो बैलेटिंग का भी ऐलान हुआ है, चौधरी साहब ने किया है। तो इस वक्त तक तो मुझे कोई ऐसी कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई जो कि आज से कुछ अरसा कबल हो, आगे देखते हैं कि कोई नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं, बहुत सारे हमारे डीलर बरादरी ने जो है वो कमर्शियल स्टार्ट किए हैं। कि ये आपको पता है लेफ्ट एंड राइट दोनों जो है ये विलाज बने हुए हैं, ऑफिस हैं रियल्टर्स के और ये जितनी भी यहाँ पे ये कमर्शियल एक्टिविटी है। आगे चलते हैं, इसका एग्जीक्यूटिव ब्लॉक आएगा, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के ऊपर भी नए ऑफिस का इफ्तिताह आज से कुछ अरसा कबल हुआ था और उसके बाद जो है आपका ब्लॉक ए है और ब्लॉक बी है और फिर ब्लॉक जो है वो सी है और आगे जो है वो बैलेटिंग का भी ऐलान हुआ है,
चौधरी साहब ने किया है, तो इस वक्त तक तो मुझे कोई ऐसी कोई नई चीज नजर नहीं आई जो कि आज से कुछ अर्सा कबल हो। आगे देखते हैं कि कोई नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट हुए हैं। बहुत सारे हमारे डीलर बरादरी ने जो है वो कमर्शियल स्टार्ट किए हैं, और ताकि मेरी कोशिश होती है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करूं अपने इस चैनल के ऊपर और अपने क्लाइंट्स को जो है वो जिम्मेदारी के साथ सर्विसेज दूं, ताकि मेरी तरफ से जो है कोई भी वो कंफ्यूजन या कोई चीज़ ना रह जाए जिसके ऊपर मैं अपने क्लाइंट्स को जो है वो सर्विस ना दे सकूं। ये नए जी सिरास मार्केटिंग वाले हैं, इनका कोई नया प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है जिसके ऊपर ये सारा आपका जो है वो कमर्शियल एक्टिविटी है। इसके अंदर आपको शॉप मिल सकते हैं, अपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, और ये एक नए गेट का भी जो है वो इनकार किया गया है। मेरे ख्याल से ये नया गेट ही बन रहा है या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ का भी जो है वो कन्फर्मेशन नहीं है। आर्च, हाँ बल्कि ये आर्च बन रहा है जी, ये इसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो चुका है। ये आर्च है जी, हमने तो सोचा कि शायद ये कोई कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी हो गई है एक महीने के अंदर अंदर। तो बहरहाल लेट्स सी, आगे तक लेके चलता हूँ आपको, हमारे साथ रहें, बोर ना हो, ताकि आपको जितनी भी अपडेट हुई है यहाँ पर वो आप तमाम अहबाब को मिले। ये सारी डीलर बरादरी के ऑफिसेज जिसका आज से कुछ अरसा कबल जो है वो हुआ इफ्तिताह हुआ, और इसके आगे ब्लॉक ए है, और फिर आगे ब्लॉक बी है, और फिर ब्लॉक सी है, तो तीन ही तो ब्लॉक हैं फैसिलिटीज़ के अंदर माशाल्लाह। इस साइड के ऊपर तो काफ़ी एरिया जो है वो चौधरी साहब ने लास्ट टाइम आपको बताया कि मैंने बहुत सारी वीडियोस रिगार्डिंग लैंड के हवाले से भी जो है वो बनाई हैं। आपको इल्म है कि लैंड की क्लियरेंस थी या लैंड के जितने भी मामलात थे वो मैंने इस चैनल के ऊपर अपडेट किए थे कि आपको क्लियर हो जाए कि कितनी लैंड सोसाइटी जो है वो परचेज कर चुकी हुई है। वीडियो लेंथ ही ना हो जाए क्योंकि ये एक तफसीली विजिट है फैसल हिल्स के ऊपर, और जो कि मैं अब तमाम अहबाब को करवाऊंगा, जहां तक भी जा सकती है मेरी गाड़ी मैं आपको लेके जाऊंगा। ये जी सारा इसका ब्लॉक ए है जिसके ऊपर अभी हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये जी ब्लॉक ए की तरफ है हम सारा, और ये इसका एक कमर्शियल एक्टिविटी है। आगे इसका ब्लॉक बी स्टार्ट हो गया है अब, ठीक है जी, ये मेरी गाड़ी मैं आपको लेके जाऊंगा। ये जी सारा इसका ब्लॉक ए है जिसके ऊपर अभी हम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ये जी ब्लॉक ए की तरफ है हम सारा, और ये इसका एक कमर्शियल एक्टिविटी है। आगे इसका ब्लॉक बी स्टार्ट हो गया है अब, ठीक है जी, और ये सारा इसका ब्लॉक बी है, और फिर उसके आगे जो है वो ब्लॉक सी है। ये जनाब ब्लॉक ए की, ये ब्लॉक बी है सारा। आगे से हम चलते हैं, थोड़ा आपको उस साइड से लेके चलता हूँ, और रोड जो ही आप हम क्रॉस करेंगे वो ब्लॉक इसका सी होगा। ये ब्लॉक ए है, और इसके आगे ये 2400 के नंबर हैं, 1800 के नंबर हैं, 3800 के नंबर्स हैं, ठीक है जी। और ये सारी यहाँ पर मशीनरी वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाइप्स वगैरह आए हुए हैं, और ये भी रोड सारा कारपेट हो गया हुआ है, पहले ये रोड कारपेटेड नहीं था। और उस साइड के ऊपर आगे आपका बी ब्लॉक का जो है वो कब्रिस्तान आ जाता है, और लोकल जो है वो प्राइवेट लैंड है उसके ऊपर। और इधर से कोशिश करता हूँ कि एक इधर गाड़ी खड़ी करके आपको थोड़ा व्यू जो है वो जूम करके दिखा दूँ। ये देखें जी, ये सारा एरिया है, और इस साइड के ऊपर, और इस साइड के ऊपर अगर थोड़ा देखूँ तो ये भी, ये आगे कब्रिस्तान आ जाता है, लोकल लैंड आ जाती है, और फिर इसी तरह ही जो है वो आपकी आगे इसके ब्लॉक सी आ जाता है। तो अभी मैं ब्लॉक सी की तरफ निकलता हूँ, ब्लॉक सी का विज़िट करवाता हूँ आपको, ताकि ये रोड आएगा बीच के अंदर, रोड के बाद जो है वो आपका ब्लॉक सी है। तो नाज़रीन, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हों रिगार्डिंग फैसल हिल्स के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आपको बर वक्त जो है इस चैनल के ऊपर मिलती रहें और आप इस चीज़ से मुस्तफीद होते रहें। तो ये जनाब इसके अंदर मेन एक रोड है जो कि एक जीटी रोड है, लोकल रोड है, उसके बाद जो है आपका ब्लॉक सी है। अभी जो है वो हम ब्लॉक सी में इंटर हो चुके हुए हैं, और ब्लॉक सी का थोड़ा विज़िट करते हैं, और फिर उसके बाद आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे। ये जी हम ब्लॉक सी के ऊपर इंटर हो चुके हुए हैं, और ये ब्लॉक सी है। अब आगे आने वाली जो 4,35,000 वाली जो आगे वाली कटिंग होगी, सोसाइटी के पास इस चीज़ की जगह मौजूद होगी तो यहाँ पर होगी, अदरवाइज जो है वो किसी और ब्लॉक के अंदर आप लोगों को देंगे। आपसे गुजारिश है
कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट्स रिगार्डिंग फैसल हिल्स या जितनी भी चीज़ें हों आपको बर वक्त इस चैनल के ज़रिए मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई अपडेट के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। अल्लाह आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।